हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अश्विन सुबह सुबह मतलब डाइनिंग टेबल पे इनकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बताइए मैंने यस तो 10 आपने लिख दिया ना, तो अब आगे लिखिए। फिलहाल हम लोग किचन में हैं, अभी नाश्ता हो चुका है सबका, मम्मी लोग का नहीं हुआ है। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। 13 करना है ना, नहाने के लिए जाना। 1 and 3 हाँ, इधर आटा गूंथा जा रहा है। तो फिलहाल मैं भी जा रहा हूँ नहाने के लिए, नहा लेता हूँ। हल्ला बहुत है। बताइए क्या जीतेगा, किताब जीतेगी कि किताब? दोस्तों शाम के बज गए हैं 4:30। मैं मम्मी को लेके आया हूँ दवा के लिए, तो मुझे लग गई है जोरों से भूख। तो मैंने देखा तो ठेले पे जो है यहाँ पे लगाए रहते हैं बाटी चोखा, तो मैंने जो है बाटी चोखा ऑर्डर कर दिया। मेरा बाटी चोखा भी आ गया और काफ़ी मतलब टेस्टी बनाते हैं सब भी, और मैक्सिमम सब जगह पे रोड के किनारे बाटी चोखा लगाते हैं। तो मम्मी तो फ़िलहाल नहीं खाई, मेरा खाना हो गया और फिलहाल मैं निकलता हूँ अभी, और यहाँ पे आ गया हूँ, सब्जी ले रहा हूँ घर के लिए, क्योंकि सब्जी जो है अभी जो हम लोगों ने बोया हुआ है वो सब्जी निकलती नहीं है। तो गाइस रात के बज गए हैं 10:30 और मेरा डिनर हो गया है, और फिलहाल डिनर तो सबका हो गया है। और आज तो मेरा थोड़ा सा रूटीन बिजी था, बिकॉज आज मेरे यहाँ पे यानी जिस चुनाव की तैयारी हम लोग इतने ज़ोरों शोरों से किए थे उसका आज रिज़ल्ट आया, जैसा कि मैं आपको बताया था सुबह में। और मैं काउंटिंग में भी गया लेकिन वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया, क्योंकि मैं हो गया था लेट, और वहाँ के आगे मतलब रोड को जो है वहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया था। तो मैं उस जगह पे पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हुआ, मैं अगल बगल में ही था लेकिन वहाँ नहीं पहुँचा, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी रोड पे। सो बात करते हैं फाइनली हुआ क्या हमारे प्रत्याशी के साथ। तो हमारा प्रत्याशी जो है हमारे मतलब बगल के जो थे वो आप लोगों को बता दूं, पहले तो निर्दलीय थे, किसी भी पार्टी से नहीं थे, कोई मतलब किसी पार्टी के सिंबल से नहीं थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे। रुझान काफ़ी अच्छा रहा, रुझान मतलब जिस तरीके से उनका फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट था फर्स्ट टाइम का, तो उसको देखते हुए काफ़ी अच्छा रुझान रहा। बट कुछ कारणों की वजह से चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये है कि सीखने को काफ़ी कुछ मिला, यहाँ पे लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कौन साथ देता है कौन साथ नहीं देता है वो सब जानने को मिला। और जिस तरीके से हम लोग दावा कर रहे थे, जिस तरीके से हमारे साथी सहयोगी दावा कर रहे थे कि यार बहुत अच्छा चुनाव जा रहा है, बहुत अच्छी सपोर्टिंग है लोगों की, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे हमारे वोटिंग में या वोट करेंगे हम लोगों को, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट चुनाव का रिजल्ट रहा। क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने कहा, जिस तरीके से लोगों ने आश्वासन दिया हम लोगों के सामने, और बात किया जाए कि जिस तरीके से लोगों ने उसका लाभ भी उठाया, काफ़ी लोगों ने इसका लाभ उठाया कि यानी इस मौके पे चौका
सभी लोगों ने लगा लिया और जिस तरीके का आश्वासन दिया उस तरीके का वो आश्वासन पे खरे नहीं उतरे और हमारे प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल मेरा मानना ये है कि मैंने जो देखा चुनाव में, चुनाव के दौरान, उसका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ कि चुनाव के टाइम में लोगों ने जो वोट के बदले नोट की प्रक्रिया अपनाई, वोट के बदले नोट लिया, तो वो उम्मीद कैसे करते हैं कि उस प्रत्याशी से कि हाँ ये प्रत्याशी हमारा जो है 5 साल वर्क करेगा, ऐसा तो फिलहाल भूल जाना चाहिए। और यही रीज़न है जीतने वाला प्रत्याशी उन 5 सालों में कोई वर्क नहीं करता और ना ही किसी काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहता है। वो उसको लगता है कि जो मन में आए करेगा, मन में आएगा तो नहीं करेगा। सो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि नोट से वोट खरीदने वाले भी सही नहीं है, जो नोट दे के वोट खरीदते हैं और जो वोट के लिए नोट लेते हैं वो भी सही नहीं है। फिलहाल जो प्रत्याशी जीते हैं वो भाजपा के कैंडिडेट थे और उन्हें भी हम दिल और जान से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे लोग हैं और उन्हें भी हम बधाई देते हैं। और अश्विन देखिए, अश्विन का भी डिनर हो गया है तो सो फिलहाल टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा और मुझे करना है वीडियो की एडिटिंग। सो आई होप कि आज के वीडियो में कुछ आप लोगों को खास देखने को नहीं मिला। जी बेटा, एडिटिंग करने वाला डाउनलोड कर दिया है क्या? हाँ डाउनलोड कर दिया। हाँ नहीं डाउनलोड किया, नहीं डाउनलोड करना हो गया डाउनलोड। आप लोगों के साथ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आई होप कि मेरा जो भी बातें हैं पसंद आई होगी। सो फिलहाल आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों का साथ, सहयोग, सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। और फिलहाल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।